भाई छोटो को हेलो हेलो। सामने ही गेट पर जो पाजी जी की बाइक खड़ी है पाजी जी की भाई। फाइनली हम लोग आ चुके हैं जहां हम लोगों को आना था, ये पीछे आपको दिख रहा है रेस डायनेमिक लखनऊ। तो यहां क्यों आए हैं ये आपको हम दिखाते हैं पूरा कैमरे से। तो गाइस हम यहां आए जैसा कि हमने आपको बताया भी रेस डायनेमिक लखनऊ में। ये कॉन्ग्रेचुलेशन जेट प्रभजोत, वेलकम जेट प्रभजोत। हम लोग आए हैं वन एंड ओनली जेट प्रभजोत पाजी से मिलने के लिए। पाजी आ रहे थे, फेवरेट ब्लॉगर भी हैं हम। यहाँ पर जेट प्रभजोत पाजी का मीटअप भी है और यहाँ पर न्यू बाइक की डिलीवरी भी है रेस डायनेमिक्स में ही। तो कौन सी बाइक है ये तो हमें तो पता चल चुका है, अभी आपको आगे ही पता चलेगा कंटिन्यू ब्लॉग में ही। तो बस पाजी का इंतज़ार है, टाइम हो रहा है अभी 11:30 करीब अप्रॉक्स आएंगे, 12 बजे का टाइम दिया है। काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर पहले से आ रहे हैं, अभी सब्सक्राइबर आ रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं ना ये पूरा खाली है, ये भी पूरा खाली है इधर, यही अभी खाली। अभी आपको जब आएंगे ना पाजी उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाएंगे पब्लिक। सामने ही जेट प्रभजोत पाजी जी की बाइक खड़ी है। यहाँ फुल तैयारी चल रही है जेट प्रभजोत पाजी के आने की, काफी ज्यादा ब्लॉगर्स भी आ चुके हैं यहाँ। ये एक ब्लॉगर आए हैं अभी, गोलू भाई हमारे खड़े हैं मस्त। उधर ऊपर जेट प्रभजोत पाजी का गाना चल रहा है, बस पाजी का इंतजार है, सब फुल तैयारी है। बाकी ये भी ब्लॉगर आए हैं भैया अभी नेपाल से, जस्ट डायरेक्ट यहीं पर। क्राउड बढ़ता ही जा रहा है यहाँ पर जेट प्रभजोत पाजी के आने का। ये अपने भाई लोग हैं, यूट्यूबर ही हैं, ब्लॉगर ही हैं सब। गोलू भैया भी खड़े हैं मस्त। ये हमारे इधर कौशिक भाई हैं जो कि आज ही मिले हैं। क्राउड बढ़ता ही जा रहा है, बिल्कुल बढ़ता ही जा रहा है भाई, बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा है। भाई काफी ज्यादा यहाँ पर पब्लिक इकट्ठा हो चुकी है पाजी के आने के इंतजार में। दो तीन राइडर आ चुके हैं लखनऊ के ही, पब्लिक करीब अप्रॉक्स 1000 प्लस हो चुकी है अब तीनों गलियों में भी। अब पाजी आ चुके हैं, ¡Gracias!
अब हम आ चुके हैं शोरूम के अंदर और काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो चुका है। ये भाजी की बाइक खड़ी हुई है जिसके अभी डिलीवरी भाजी लेने आए हैं दिल्ली से। आ गए गोलू भाई भी शोरूम में बड़ी मुश्किलों से। इधर फोटो शूट चल रहा है भाजी के साथ उसका। ये जट पपरूट भाजी, ये भाजी की बाइक है, इसी की डिलीवरी है। हमने खेल लिया है भाजी को। आप देख रहे हैं इतनी ज़्यादा पब्लिक हो चुकी है, कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। जब पड़ोसी की भाई अभी से रिवील की जाएगी। पाजी जी की भाई सबको पाजी ने घेर लिया नीचे ही, सब स्टिकर दे रहे हैं जटपुरोट पाजी सबको। फिर अल्लाह हो गया। तो एक बार भाई छोटो को हेलो। फाइनली मीटअप हो चुका है डन। काफ़ी अच्छा मीटअप रहा हम लोगों का यहाँ आके। और जट पपरूट पाजी से हम लोग बहुत दिनों से मिलना चाह रहे थे, पर जैसे ही हम लोगों ने देखा कि जट पपरूट पाजी लखनऊ आ रहे हैं अपनी बाइक की डिलीवरी के लिए, तो हम लोगों को बस यह है कि निकल पड़े अटेंडम में। सुबह बस से आना पड़ा, हम लोग बस से आए, पर लेकिन इतनी ज़्यादा गैदरिंग हो गई थी ना यहाँ पे, इतनी ज़्यादा पब्लिक थी कि मैनेज करना मुश्किल हो गया था। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा बंदा आया हुआ था, बहुत सारे सब्सक्राइबर थे, तो मतलब ठंड में भी एकदम गर्मी का एहसास हो गया था आज। मतलब 1000 से ऊपर बंदा था, शोरूम में भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि गर्मी लगने लगी थी, तो आप समझ रहे कितनी ज़्यादा पब्लिक थी। वो तो आपको ब्लॉग में ही पता चल गया होगा, पर जट पपरूट पाजी के नेचर को मानना पड़ेगा, जैसे ही वो वीडियो में वैसे ही रियल लाइफ में भी हैं। आराम से फ़ोटो वगैरह खिंचाया, डायलॉग बोला, अब काफ़ी देर बाद हुई, ज़्यादा तो रिकॉर्ड भी नहीं हो पाया इतना भीड़ के चक्कर में,
तो बाकी कभी हम लोग प्लान फुर्सत से बैठेंगे, बातचीत होगी अपनी। बाकी अब हम लोग निकलते हैं, अभी टाइम भी हो चुका है, अभी बज रहा है 4। और पहले खाने पीने का देखते हैं क्या है, भूख लग रही बहुत तेज। अभी अपने पास 2 घंटे हैं यहाँ लखनऊ के अंदर, बाकी देखते हैं कि कहाँ जाते हैं। अभी एक सोच रहा है कि कहीं और भी निकल जाए, वहाँ का ब्लॉक कवर हो जाएगा। फिर गोलू भैया कह नहीं स्टेशन जाओ, तो अभी जैसा होगा आपको ब्लॉक में पता चल जाएगा। हम आए हैं कुछ खाने के लिए, तो ये है भारत मोमोज सेंटर, मैं मोमोज निकलवाए हैं, मोमोज खाते हैं यहाँ पर। भाई सुबह से कहते भूख के हमारे परेशान हो गए थे, बहुत तेज भूख लग रही थी। फाइनली प्रभजोत भाई से मिलके अब आए लाए खाने यहाँ, तो बैठ गए ऑटो में हम लोग। फाइनली डिसाइड हो गया कि अब जा रहे हैं स्टेशन के लिए। तो भाई हम लोग अभी ऑटो आए थे बैटरी वाले रिक्शे से, सिर्फ यहाँ मुंशी पुलिया था, और अब जा रहे हैं हम लोग मेट्रो स्टेशन के लिए। ये सामने है, ये सामने मेट्रो स्टेशन दिख रहा है, तो यहाँ से हम लोग जाएंगे रेलवे स्टेशन तक डायरेक्ट 4 बार। तो चलते हैं अब आगे। गोलू भाई ले रहे हैं मोबाइल का कवर, इन्हें मिल गया मोबाइल का कवर, बढ़िया है, बढ़िया लेदर में कवर मिल गया गोलू भाई को चाहिए था। तो आ गए हैं मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन, चल रहे हैं अंदर। गोलू भाई अब कवर मिल गया है, कवर हो गया चेंज, अब ये वाला ले लिया है, ये न्यू डिज़ाइन में। भाई यार पैरों में दर्द हो रहा है इसमें, चलो पैरों में दर्द नहीं होने लगा इधर खड़े खड़े। भाई देखो जूते साफ करने हैं तो ऐसे कर लो। कुछ आगे भी ये लगे हुए हैं टिकट की लाइन में, मेट्रो स्टेशन पे टिकट ले रहे हैं। ये जट प्रभजोत के हम लोग को स्टिकर भी मिल गए थे। पोशाक भाई मिल गया टोकन, चलो अब चलते हैं मेट्रो के अंदर। तो आ गए हम लोग टिकट लेके ऊपर, अभी टाइम लिखा है 4:35, 4:35 हो गया, तो आ ही रही होगी मेट्रो हम लोगों की भी। यार फोन बिल्कुल चार्ज नहीं रह गया था, तो पावर बैंक से चार्ज कर रहे थे सुबह से, पावर बैंक ले आए थे वरना तो चार्जिंग भी नहीं हो पाती। सुबह से चल ही रहा है ना फोन, हाँ बिल्कुल डाउन हो गया था। गोलू भैया नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उतरने के, अरे पीछे आ रहे हो, पीछे पीछे ही है। वो मेट्रो खड़ी है सामने, आपको दिखाते हैं जूम करके। ये गोलू भाई ये जल्दी बुलाओ यार मेट्रो को, वेट नहीं हो रहा, खड़ा नहीं रहा, जा रहा कतई गिरे जा रहा है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ यहीं। गोलू भाई बैठ भी गए, अरे खड़े हो जाओ, मजाक में कहा था केवल। आ चुकी है अपनी मेट्रो, बोलो भाई पीछे हटो, पीछे इतना पीछे, खुद पीछे हटो। आ गई है मेट्रो, बैठते हैं अंदर। चलो चलो चलो, शाहजहांपुर, पूरी खाली है बोलो भाई, सब तुम्हारे लिए है मेट्रो, बुक की है भाई ने पर्सनली। आप फोन पहले चार्ज करो भाई अभी। तो गाइस ये है पूरा मेट्रो, और ये अभी हम मुंशी पुलिया पर हैं, यहाँ से हम लोगों को जाना ये 4 बाग। तो गोलू भाई चला जाए, गोलू भाई कह रहा है इनकी फ़ोटो खींच दो, जो पहली बार बैठ रहे हैं ना मेट्रो में इसीलिए। तो गाइस पहुँच गए हम लोग 4 बाग मेट्रो स्टेशन, ये गोलू भैया, और सामने यह है स्टेशन पूरा, ऊपर से दिखाते हैं आपको, ये सामने पूरा स्टेशन है। और अब चलते हैं नीचे, थोड़ा बहुत देखते हैं कुछ एक्सेसरीज वगैरह लेनी मोबाइल की अगर मिलती है। चलो चलो गोलू भाई चलो, टोकन रखा है संभाल के फेंक दिया। तो ये आ गए हम लखनऊ, अब मैं स्टेशन पर उतर रहे हैं। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं ये लखनऊ रेलवे स्टेशन, 4 बाग लखनऊ रेलवे स्टेशन बोला जाता है ये। अरे चलो गोलू भाई मोबाइल बाद में चलाओ, ट्रेन में अभी टाइम है, ट्रेन का 6:20 आने का, और अभी 6:05 हो चुका है, यहीं पे 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाना है अभी, भाई जल्दी चलो। तो नाइट में काफ़ी सुंदर लगता है ये स्टेशन, पूरी लाइटिंग होती रहती है ये।
ये हम लोगों की ट्रेन है 14007 सद्भावना एक्सप्रेस, 6 नंबर पे आएगी जो की। तो गाइस ये आ चुकी है अपनी ट्रेन और अब इसमें बैठते हैं अपने सीट नंबर पे, फिर मिलते हैं आप लोगों से। गाइस आ चुका है स्टेशन ये उतरने के लिए। राइटर लग रहा तुम्हें भाई, ये रोजा रेलवे स्टेशन है जहाँ हम लोगों का घर है। रुकेगी नहीं यार, पर यहाँ स्टॉपेज नहीं है, यहाँ इसके आगे सजापुर है स्टॉपेज। हम लोगों को वापस आना होगा इतनी ठंड में। तो गाइस यहाँ स्टॉपेज नहीं था रोजा में, पर लेकिन तब भी रुक गई, अपना काम बन गया। बोलो भाई किस्मत बढ़िया थी, सजापुर से नहीं आना पड़ा इतनी ठंड में। थैंक यू ड्राइवर। सो गाइस दिस इज द नेक्स्ट डे। कल काफी ज्यादा लेट हो गया था, हम लोग काफी ज्यादा थक भी गए थे, तो खाना ना खा के हम लोग रिलैक्स हो गए और वीडियो भी एडिट नहीं हो पाई थी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। अगर वीडियो में कोई सा भी पार्ट अगर आपको पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी बढ़िया से वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।